सिर्फ एक सिंगिंग स्टार के रूप में देखा था, लाखों हजारों की भीड़ में मैं भी एक था, तुम्हारे गीतों का दीवाना। लेकिन आज मैं तुम्हारे दिल में हूं नेहा। ये सब एक सपना सा लगता है नेहा। आज मेरे लिए गीत गाओ ना, सिर्फ मेरे लिए, प्लीज नेहा। हमारा गाना कब हुई रे? What is this ठेंगा ठेंगा? No. Bye.
मजा आएगा नहीं? अरे राजा भैया, अरे तेरी आवाज को क्या हो रही? गाने की दे? नहीं 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 शर्ट बटा 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 हमार चमिया नेहा जी की गाय का गीत फरमाइश करत है। अरे हाँ नेहा, एक गीत सुना ना। हाँ नेहा, कम ऑन। नेहा, ये वो लोग हैं जो शहर आकर महंगे महंगे टिकट खरीदकर शायद तुम्हारे गीत कभी ना सुन सके। प्लीज इनका दिल रख लो। देखो आज आज मेरी दोस्त की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन है। प्लीज अफो, तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो। कहा मैं नहीं गा सकती ना, प्रॉपर साज है ना रिदम और ना ही रिजल्ट। देखा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो एक एक प्यार का माहौल बना हुआ है, दो लाइनें गुनगुनाने में तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नेहा प्लीज, प्लीज नेहा मेरी बात रख लो। नेहा आई एम सॉरी, मैं नहीं गाऊंगी। नेहा, नेहा रुको, नेहा मेरी बात सुनो। नेहा ये सब क्या तमाशा है? आज तुमने सारे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे इतना मनाने पर तो पत्थर भी पिघल जाता है। अगर तुमने तो ऐसा, हाँ, हम तो पत्थर दिल से भी गए गुजरे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है नेहा? भगवान के लिए इस वक्त यहाँ से चले जाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात सुननी ही होगी नेहा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें उन सब लोगों को भी इज्जत देनी होगी जो जो प्यार के एक बोल पर अपनी जान तक निछावर करने को तैयार रहते हैं। उनके सुख दुख में इस वक्त हम तुम्हारा भाषण सुनने के मूड में नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन। नेहा, तुम्हें मेरी इस बात का जवाब देना ही होगा। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि यह हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए क्योंकि हम वो साज है जिसकी तारें टूट चुकी है, और इसलिए क्योंकि अब हम गा नहीं सकते। मगर ये सब अचानक हुआ कैसे? मैंने तो तुम्हारे सारे प्रोग्राम देखे हैं, बस एक आखिर को छोड़कर। वही मेरी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम बनकर रह गया, मेरे सुरों के सफर का अधूरा गीत। बताओ मुझे क्या हुआ था उस दिन, बताओ नेहा बताओ। उस दिन पापा की बात नहीं रख सकी राजा, नहीं रख सकी। नहीं नेहा, नहीं, मन छोटा मत करो। डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि तुम अब कभी गा ही नहीं सकती? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर इंसान मन से चाहे कोशिश करे तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। तुम्हें कोशिश करनी होगी नेहा, तुम्हें कोशिश करनी होगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जिंदगी में गा पाऊंगी या नहीं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब तक मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला था तब तक मैं अपने आप को बहुत अकेली महसूस करती थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नेहा? भगवान की दी हुई कला को नष्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं। आज भी तुम्हारी जगह वही है जहां तुम्हें सुनने
और तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती थी। तुम्हें गाना होगा नेहा, तुम्हें गाना होगा। तुम समझते क्यों नहीं, मैंने कह दिया ना कि अब मैं नहीं गा सकती। और अब मुझे कीचड़ में जाने का कोई शौक नहीं जहाँ हैरी जैसे घिनौने जानवर बसते हैं। और प्लीज मेरे सामने मेरे गुजरे हुए कल का जिक्र कभी मत करना। राजा पूछो तो यही जवाब मिलता, पता नहीं तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हुई तुम्हें क्या पता। अच्छा चलो आज कहीं घूम आए, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। नेहा, तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ काम नहीं है क्या? I'm sorry, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुमसे तो बात तक करने की फुर्सत नहीं है मेरे पास, फिर कभी। राजा Thank you.